सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइज, आज की इस वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को पबजी मोबाइल के चार बहुत ही ज़्यादा अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि गाइज बिल्कुल ही हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एंड आप सभी लोगों को गाइज ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगेगी। अगर गाइज आप सभी लोग इस वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को कभी भी यार अपने गेम प्ले में यूज़ करते हो तो गाइज थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपका गेम प्ले सुधारने में ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाली है। एंड गाइज वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहती हैं। एंड गाइज यहाँ पे हमारा एक गिव अवे भी चल रहा है सीजन 6 के रॉयल पास का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है उसे डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करोगे तो यार मैं जितने भी रॉयल पास दे पाऊंगा उतने का मैं कोशिश जरूर करूंगा सीजन 6 के रॉयल पास देने की। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइज इस वीडियो में आप सभी लोग को आगे बढ़ते हुए सब चीजें हम लोग बता देते हैं। सो गाइज सबसे पहले ये वाली जो ट्रिक आ रही है ना गाइज, ये वाली ट्रिक ब्रिज पे आ रही है। हाँ गाइज ब्रिज पे ये वाली ट्रिक वर्क कर रही है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है। गाइज ब्रिज पे क्या होता है, बहुत लोग कैंपिंग करते हैं एंड गाइज ये कार वार जो दिख रही है ना उसके पीछे छुप जाते हैं। सो गाइज मैं आप सभी लोग को एक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि गाइज आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे रेंगते हुए इधर जा रहा हूँ। पर गाइज ये वाला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गाइज 0 मतलब यार 10% लोग कर पाते हैं ये, और वो भी सही टाइम से। सो गाइज ये वाली जो देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गया ब्रिज के स्टार्टिंग पे आ गया। गाइज मैंने यहाँ पे स्प्रिंट लगाया। सो गाइज मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा, जो कि हर वक्त करते भी इमरजेंसी हो तो भी यार ये वाली ट्रिक वर्क करेगी। आपको क्या करना है, स्प्रिंट लगाना है एंड गाइज यहाँ पे कूदने के बाद गाइज यहाँ पे आप लेट हो यार या फिर बैठे रहो, सो गाइज उससे कुछ नहीं होता। मतलब आप यहाँ से पूरे जगह मतलब देख सकते हो। एंड गाइज अगर बंदा सोचेगा भी ना कि आप सभी लोग कहाँ पे छुपे हो, सो भाई वो सोच नहीं पाएगा। एंड गाइज यहाँ से आप सभी लोग फायर भी कर पाओगे। हाँ भाई फायर भी कर पाओगे। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, अपने जो बैठने वाला बटन है ना उसको एक बार दबा देना है एंड गाइज फायर कर देना है। फायर करने के बाद आप सिंपली लेट जाओ या फिर यार बैठ जाओ, उनको पता नहीं चलने वाला है। सो भाई आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं फायर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ एंड गाइस फायर करके, जैसे आप सभी लोग कोई भी कार वाला है फायर करके गाइस बैठ जाओ। सो भाई अब जो अगली ट्रिक बताने वाला हूँ ना गाइज, ये वाली मैंने कुछ यहाँ पे पुराने ट्रिक्स भी रखी हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके इस वाली ट्रिक के बारे में। गाइज अमेजिंग ट्रिक है यार, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप 40 बुलेट्स कैसे फायर कर सकते हो। हाँ भाई 40 बुलेट्स कैसे फायर कर सकते हो, अपनी गोली से जो भी आपकी AR है उससे फायर कर सकते हो। सो भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो यार अपने कंट्रोल्स में थोड़ा ये बढ़ा दिया है ताकि आप सभी लोगों को मैं दिखा पाऊँ अच्छे से। सो सबसे पहले तो गाइज मैंने देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंडेड लगा रखा है, जिससे कि हमारी बुलेट्स 40 हो गई हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड लगा के रीलोड किया। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, फायर करते जाना है। जहाँ गाइज फायर करते जाना है, उसके बाद जैसे ही गाइज 10 से 8 बुलेट रहे तो आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड हटा देना है। एंड गाइज देख सकते हो हमने 30 बुलेट्स और फायर करी। पहले हमने 40 बुलेट्स फायर करी थी, उसके बाद जैसे हमने एक्सटेंडेड हटाया हमने 30 बुलेट्स और फायर कर ली। मतलब गाइज टोटल हमने यहाँ पे 70 बुलेट्स फायर करी हैं, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। आप सभी लोग इसको फायर कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको यकीन नहीं होता तो गाइज खुद ट्राई करके आप देख सकते हो, बिल्कुल ही करने वाली है। एंड गाइज उसके बाद ये वाली जो ट्रिक बताने वाला हूँ गाइज, इसके मैंने 2 वीडियो शूट करे थे और गाइज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दोनों वीडियो बताने वाला हूँ। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे ये जो घर होते हैं ना गाइज, इन घर में तो गाइज आप सभी लोगों को अब कोई नहीं मार पाएगा, या फिर अगर आप मारना चाहो भाई किसी भी बंदे को तो गाइज आप सभी लोग उन्हें मार सकते हो। सो सबसे पहले तो मैं ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ गाइज इस घर में क्या होता है। बेसिकली यार जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे होते हैं ना गाइज, बंदे हम पे रश कर देते हैं, ऊपर से ग्रेनेड फेंकने लगते हैं, या फिर गाइज पूरी अपनी स्क्वाड लेके हम पे रश कर देते हैं। हम यार कुछ कर भी नहीं पाते हैं और गाइज हम लोग यहाँ पे आउट हो जाते हैं। सो भाई आपको एक ट्रिक बता देता हूँ गाइज, आपको नहीं यहाँ पे इस छत पे इस तरफ आ जाना है एंड गाइज यहाँ से जंप लगाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से देख सकते हो आप TPP लेके बंदे को देख सकते हो। पर और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ देख सकते हो मैं कोने पर यहाँ पे आ गया। एंड गाइज यहाँ पे आप सभी लोग चढ़ सकते हो और यहाँ से देख सकते हो यहाँ से जो भी बंदा आएगा ना गाइज यहीं से आएगा। और एक और भाई मैं बताने वाला हूँ, बंदा एक और जगह से आ सकता है। सो गाइज आप सभी लोग उसको भी ध्यान रखना है, वो मैं अगली ट्रिक में आपको बताने के लिए आया हूँ। सो गाइज यहाँ से देख सकते हो आप पीक लेके ना भाई बंदों को मार सकते हो, या फिर अगर आप बैठ के देखो ना भाई TPP लेके आप बंदे को देख सकते हो, बंदा मतलब क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उसके कितने बंदे हैं, कितने स्क्वाड है, गाइज पूरी चीज़ें मतलब आपको यहाँ से दिख जाएंगी। सो भाई अब जो सेकंड मैं बता रहा था ना भाई, इसी घर में तो पीछे देख सकते हो यहाँ पे हमें कार मिल जाती है, या फिर कोई बंदा अगर कार से यहाँ पे आते हैं पूरी स्क्वाड आती है, सो भाई वो क्या करती हैं, गेट खोल देती हैं एंड गाइज उसके बाद क्या करती हैं, कार को यहाँ पे लगा देती है। अब उसके बाद गाइज क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग भी गाइज ये वाली ट्रिक अपना सकते हो।
तो भाई ये वाले ट्रिक आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कार से ना ये जो डासिया दिख रही है ना हमारी, इसके ऊपर हम लोग जंप मारेंगे एक बार, और गाइज इस गेट पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। चढ़ने की कोशिश करोगे तो भाई चढ़ जाओगे, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है चढ़ने की, बस अपनी गन को पीछे कर लेना एंड गाइज चढ़ जाना। चढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरी बीच की रिकॉर्डिंग गायब है, बिकॉज गाइज मेरे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस का एरर आ रहा है। सो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से ऊपर से सिंपली रूम में आ सकते हो, एंड गाइज अगर आप रूम पे नहीं आना चाहते सो भाई आप पीछे से भी देख सकते हो। एंड गाइज मैंने आपको पिछले ट्रिक में क्या बताया था कि हम लोग इस वाली विंडो के पास होते हैं। सो गाइज अगर आप सभी लोग यहाँ से रक्ष मारते हो, अगर आपके मतलब जो एनिमी है ना गाइज उसको मेरी वाली ये वाली पिछली वाली ट्रिक पता थी, सो गाइज आप सभी लोग ये वाली ट्रिक कर सकते हो एंड उससे बच सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बच सकते हो गाइज, क्योंकि वो यहाँ से पीक करके ही रहेगा। एंड गाइज आप उसको बिल्कुल ही हेडशॉट दे देना यार, उसे छोड़ना मत बिल्कुल ही, उसे पूरा मार देना यार, पूरा मतलब ख़त्म ज़रूरी कर देना। क्योंकि चलो भाई ये वाली ट्रिक तो बहुत अच्छी थी, इसमें मैंने आपको दो ट्रिक बताई और दोनों ट्रिक भाई बहुत अमेजिंग है, आप सभी लोग इस ट्रिक को अपने गेम प्ले में यूज़ कर सकते हो, अपने गेम में यूज़ कर सकते हो गाइज, बहुत ज़्यादा मस्त ट्रिक हैं, इनको आप सभी लोग एक बार ट्राई ज़रूर ही करना। और गाइज इसी के साथ हम आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड गाइज हमने यहाँ पे आपको चार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बता दिया है। सो गाइज मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो गाइज जितने भी आपके ग्रुप है ना भाई पबजी के जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज गाइज इस वीडियो को उन सब के पास पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके स्क्वाड मेम्बर्स के पास भी गाइज पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज इसको दबा के शेयर करना, एंड आपके एक लाइक से गाइज हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ गाइज ये वाली वीडियो आपकी तरह बहुत लोगों को यहाँ पे YouTube रिकमेंड कर देता है।